Utility programs are software which are specially designed to meet system requirement. Utility program एक software होता है जो कि specially design किया जाता है system के according जो requirement होती है उसके according utility program use किया जाता है. Example of utility programs are disk defragmenter, disk scanner, etc. Application software. Application software refer to the software that have been designed to meet user requirement. Application software जो होता है वह यह refer करता है कि जो user जो है वो क्या requirement है उनकी, उसके according ये software use किया जाता है. जैसे कि application software some है MS Word, MS Excel, MS PowerPoint etc. are some popular application software. ठीक है, next आपका कंप्यूटर मेमोरी. द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज मोर लाइक अ प्रीडिफाइंड वर्किंग प्लेसेस वेयर इट्स टेम्पररीली कीप्स इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू फैसिलिटीज इन परफॉर्मेंसेस. व्हेन द टास्क इज परफॉर्म्ड इट क्लियर its memory and memory space is then available for the next task to be performed. When the power is switched off, everything stored in the memory gets erased and can be not be recalled. ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो है जो भी अपना वर्क होता है वो सारा मेमोरी के अंदर रिकॉर्ड्स हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी. अब कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो कितने टाइप की होती है. द कंप्यूटर मेक्स यूज ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज. कंप्यूटर जो का जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरीज होती है टू टाइप्स की होती है. उसका किस प्रकार यूज होता है, इंटरनल मेमोरीज और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरीज. ठीक है, अब इंटरनल मेमोरीज मतलब अंदर की तरफ जो भी इसकी मेमोरी जो लोकेटेड है. द इंटरनल मेमोरी इज द इनबिल्ट मेमोरी वेयर सीपीयू होल्ड द प्रोग्राम्स एंड डेटा बीइंग मैनिपुलेटेड. इंटरनल मेमोरी वहाँ बनी होती है जहाँ पर सीपीयू अपने प्रोग्राम और डेटा को मैनिपुलेटेड करता मतलब बनाता है. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी. दो प्रकार की इंटरनल मेमोरी होती है. रोम, इसकी फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी. ठीक है, इन दिस मेमोरी इंफॉर्मेशन वंस स्टोर्ड रिमेन फिक्स्ड. ठीक है, इस मेमोरी के अंदर सूचना जो है वो एक बार स्टोर्ड हो जाती है. इट कैन नॉट बी चेंज्ड, फिर इसको चेंज नहीं किया जा सकता है. सो रोम कैन ओनली बी रीड एंड यूज इट. तो रोम जो होती है कैन ओनली रीड और रीड के लिए यूज होती है. इट कैन नॉट बी चेंज्ड और आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. जनरली सामान्यतः रोम कंटेन अ सेट ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन. और जनरली जो रोम का जो पार्ट होता है वो इंस्ट्रक्शन से बना हुआ होता है. एग्जाम्पल व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन. जैसे हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं द कंटेन ऑफ रोम रिमेन स्टोर्ड इवन इफ पावर इज टर्न ऑफ. रोम इज नॉन वायलेट मेमोरी. ठीक है, तो उसके अंदर जो भी मेमोरी में आपका चला गया है तो वो उसमें स्टोर्ड हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रैंडम एसएस मेमोरी रैम. द इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटर्न टू इज कॉल्ड रैम. इंटरनल मेमोरी के अंदर क्या होता है, ये जो मेमोरी को सिर्फ रीड करता है एज वेल एज जैसा लिखा हुआ है वैसा वो रीड करता है, उसको हम रैम कहते हैं. रैंडम एसएस मेमोरी. एग्जाम्पल व्हेन पीपल टॉक अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इन कनेक्शन विद कंप्यूटर दैट यूजुअली मीन द रैम. जनरली जब लोग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसका कनेक्शन करवाना है तो ये जनरली किससे रिलेटेड होता है, रैम से होता है. द रैंडम एसेस मेमोरी इज वॉलेटाइल. ठीक है, इट इज कंटेन आर लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ. इसमें क्या होता है कि मेमोरी के अंदर जो होता है स्टोर्ड नहीं होता है. ठीक है, अगर आपका अगर जो है कंप्यूटर की उस समय जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपको लॉस होगा. ठीक है, नेक्स्ट
एक्सटर्नल मेमोरीज ब्राइट प्राय स्मृति, कंप्यूटर के अंदर जो प्राय स्मृति वो कौन सी है। एज वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ दैट द स्टोरेज इनसाइड मेन और इंटरनल मेमोरी इज टेम्पररी। अभी हमने डिस्कस किया है जस्ट कि जो स्टोरेज जो होता है वो इनसाइड और अंदर की तरफ होता है, वो भी टेम्पररी होता है। व्हेन दिस टेम्पररी इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड परमानेंटली और सेमी परमानेंटली एक्सटर्नल मेमोरी इज यूज्ड। और जो टेम्पररी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हमको परमानेंटली स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम एक्सटर्नल मेमोरीज का यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM, वीडियो डिस्क, है ना। और ये जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक, इसके द्वारा जो है हम सारा अपना स्टोरेज रख सकते हैं और जब चाहे इसका यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका फ्लॉपी डिस्क। लुक हियर पिक्चर, आप लोगों ने सबने प्लास्टिक की बनी हुई फ्लॉपी डिस्क देख सकी है, ठीक है। ये स्टोरेज डिवाइस है, ये कौन सी डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क। अ फ्लॉपी डिस्क इज अ थिन पीस ऑफ मैग्नेटिकल इंटरनल इनसाइड अ प्रोटेक्टिव एनवेलप। यह जो डिस्क होती है एक पतली जो मैग्नेटिकल इंटर साइड में बना होता है, जो इसका प्रोटेक्टिव एनवेलप होता है, ठीक है, इनसाइड की तरफ बना हुआ होता है। इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डिस्क बाय डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर, ठीक है। और इस डिस्क के अंदर जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है वो ट्रैक एंड सेक्टर के अंदर होती है। ट्रैक आर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रीजन ऑन द सर्फेस ऑफ द डिस्क, सेक्टर आर पाई शेप्ड वेजेस द intersect each of the track for the dividing them. The information is stored in these sectors with the help of a read or write, just like a cassette recorder. ये फ्लॉपी डिस्क जो होती है एक कैसेट, जो बहुत ओल्ड टाइम में बेटा कैसेट चलती है जिसमें लोग गाने सुनते थे, तो उस टाइप की ये रिकॉर्डर कैसेट होती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क कम इन टू साइज, फ्लॉपी डिस्क जो है फ्लॉपी डिस्क की जो साइज है वो टू साइज में आई है। फर्स्ट 5.25 की एक डायमीटर्स की होती है, विच कैन होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 1.2 MB ऑफ डेटा, एंड 3.5 डायमीटर फ्लॉपी डिस्क विच कैन होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 1.44 MB ऑफ डेटा, ठीक है। सेकेंड है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ रिग्ड सर्क्यूलर प्लॉटर ऑफ मैग्नेटिकल मटेरियल स्टील इन मेटल बॉक्स विथ यस दिस एंड अगेन रिपीट हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ रिज्ड सर्क्यूलर प्लॉटर ऑफ मैग्नेटिकल मटेरियल सील्ड इन मेटल बॉक्स विथ एसोसिएटेड रीड राइट एंड हेड्स। दे आर यूजुअली इंटरनल टू अ कंप्यूटर टू रीड और वायर राइट इंफॉर्मेशन। द रीड एंड राइट हेड ऑफ द राइट प्लॉटर इज मूव टू राइट ट्रैक एंड देन द प्लॉटर इज रिवॉल्व अंटिल द करेक्ट सेक्टर कम्स अंडरनीथ द हेड। देन रीड राइट हेड कैन रीड और राइट फ्रॉम इन टू दिस सेक्टर। हार्ड डिस्क के अंदर भी जो है इंफॉर्मेशन जो हम जो लिखते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं, तो इसमें हार्ड डिस्क के अंदर सारी चीज़ें स्टोर्ड हो जाती है। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट ऑफिस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर्ड हो जाते हैं। तो नाउ दिस चैप्टर इज एंड, अब आपका चैप्टर जो है यहाँ फिनिश हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चन अब मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, तो नेक्स्ट अब हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर पर।